हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक आपको पता है कि हम लोग HCU हैदराबाद का एनिमल बायोलॉजी 2019 जो कि मई में एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट ए को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 7 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है द लीस्ट वाटर सोल्यूबल बायोमॉलिक्यूल। देखिए, वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, जो कि आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो, वो मॉलिक्यूल जो कि वाटर से प्यार करते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। वहीं पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर से हीट करते हैं, और वाटर से जो हीट करते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कहते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें, ध्यान देना है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है वह पोलर होता है। क्यों होता है ये आपको केमिस्ट्री वाले टीचर बहुत ही डेफिनेटली बता देगा। आप यहाँ पे आज के लिए याद रखो कि जिसमें OH ग्रुप होता है वो पोलर है, और यह वाटर में सोल्यूबल है। जिसमें एल्कोहल में डेफिनेटली OH ग्रुप होता है, सुक्रोज में भी OH ग्रुप होता है, और ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में भी OH ग्रुप होता है। ओके, सी डबल बॉन्ड OH। बचा आपके पास एक जो कि है यहाँ पे पॉलमिटिक एसिड। पॉलमिटिक एसिड जो है यह एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड में भी यह एक अन सेचुरेटेड फैटी एसिड है, अन सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और यही मॉलिक्यूल जो है वह वाटर में लिस्ट सेल्युबल होगा, क्योंकि यह हाइड्रो फोबिक मॉलिक्यूल है। कितना इजी क्वेश्चन था, देखा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है क्रोमोसोमल पेंटिंग टू एनालाइज द कैरियोटाइपिंग इन ह्यूमन इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्रोमोसोमल पेंटिंग क्या होता है। तो क्रोमोसोमल पेंटिंग जो होता है, द विजुअलाइजेशन ऑफ द विजुलाइजेशन ऑफ द विजुलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल द विजुलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोजोम इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स इन मेटाफेज और इंटरफेज, मेटाफेज और इंटरफेज सेल्स। मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का मेटाफेज या इंटरफेज में जब होते हैं तो उसके इंडिविजुअल क्रोमोसोम का विजुलाइजेशन क्वांटिफिकेशन यह सब जो है कैरियोट,
ये सब जो है क्रोमोसोमल पेंटिंग कहलाता है। अब पेंटिंग हम करते कैसे हैं, यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो पेंटिंग करने के लिए, विजुलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोब यूज करते हैं। क्या हम यूज करते हैं, प्रोब यूज करते हैं। यूज फ्लो रिसेंटली, फ्लोरेसेंटली बेस्ड डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब में क्या होता है, आपका फ्लोरेसेंट लगा होता है जिसमें खेंचर होता है और फ्लोरेसेंट होता है। जब तक खेंचर होता है वो फ्लोरेसेंट नहीं करता है, जैसे ही प्रोब बाइंड कर जाता है खेंचर हट जाता है, खेंचर हटने से वो फ्लोरेसेंस करने लगता है। टू कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द क्रोमोसोमल पेंटिंग। तो इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम फ्लोरेसेंट प्रोब यूज कर रहे हैं, और फ्लोरेसेंट प्रोब का बाइंड होना, फ्लोरेसेंट प्रोब का डीएनए प्रोब का क्रोमोसोम के साथ बाइंड होना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है कि स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन विद द फ्लोरेसेंट प्रोब। 10 नंबर काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि मल्टीपल एम्प्लीकॉन्स ऑफ वेरिंग साइज, ध्यान दीजिएगा अलग अलग साइज का है, इंक्लूडिंग द डिजायर्ड एप्लीकॉन ऑफ एक्सपेक्टेड साइज वॉज ऑब्जर्व इन द पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, वेयर इज द टेम्पलेट वॉज ह्यूमन जीनोमिक डीएनए, वट इज द मॉडिफिकेशन विल मोस्ट लाइकली इलिमिनेट द अनडिजायर्ड एम्प्लीकॉन। यहाँ पे समझने वाली बात है कि पीसीआर के पास 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, जो कि हम लोग 94 डिग्री C पे करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब डीनेचुरेशन हो जाता है तो आपका एक होता है टेम्परेचर, जिसको हम मतलब उसके बाद एनिलिंग टेम्परेचर होता है, और एनिलिंग टेम्परेचर में क्या होता है, आपका जो एक इनिशियल कंडीशन में जो होता है डीएनए के लिए सिंथेसिस करने के लिए एक आपका प्राइमर की जरूरत होता है, तो उस प्राइमर को बाइंड करना जो है, उस वो प्राइमर जो बाइंड होता है 5' एंड पे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम एनिलिंग बोलते हैं, और वो जिस टेम्परेचर पे होता है उसे हम एनिलिंग टेम्परेचर कहते हैं। और एनिलिंग टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, अगर एनिलिंग टेम्परेचर में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली चेंज होगा। और उसके बाद होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन तब होता है जब आयरन मतलब जो आपका प्राइमर है फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर, वो दोनों बाइंड कर जाएं, और बाइंड कर जाने के बाद वो सिंथेसिस को शुरू कर दें। टैक पॉलीमरेज सिंथेसिस को शुरू करता है, या पीएफयू पॉलीमरेज सिंथेसिस को शुरू कर देता है। टैक पॉलीमरेज बैक्टीरिया है, बट पीएफयू आर्किया है, बैक्टीरिया नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के एम्प्लीकॉन हैं, और उसमें आपके पास डिजायर्ड है जो कि एक्सपेक्टेड साइज है, डिजायर्ड एम्प्लीकॉन वह भी है, और आपको क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, और उससे क्या होगा, अनडिजायर्ड एप्लीकॉन को हटा देना है। तो डेफिनेटली अगर हमें अनडिजायर्ड एप्लीकॉन को हटाना है तो उसमें क्या करना होगा, उस अनडिजायर्ड एम्प्लीकॉन्स के सिंथेसिस को ही रोकना होगा, और अगर सिंथेसिस को रोकना है तो प्राइम जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर है उसको बाइंडिंग को रोकना होगा, और अगर उसके बाइंडिंग को रोकना है तो हमें इनलिंग के प्रोसेस को कहीं ना कहीं इंटरप्ट करना होगा। तो सबसे अच्छा आंसर है इंक्रीजिंग द इनलिंग टेम्परेचर फ्रॉम अ 45 फोर्टी
54 to 56। इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हम 54 से 56 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इंक्रीजिंग द डीनेचरिंग टेम्परेचर, डीनेचरिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने से डीनेचर होना, डीनेचर होने का मतलब है कि सब डीनेचर होगा चाहे आपका कोई भी साइज का हो, हमें डीनेचर नहीं करना, हमें क्या करना है कि अनडिजायर्ड एप्लिकॉन को सिंथेसिस को रोकना है। तो अगर उसको सिंथेसिस को रोकना है तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो वह भी डीनेचर हो जाएगा, तो दैट इज नॉट द गुड मॉडिफिकेशन। अगला है डिक्रीजिंग द इलोंगेशन टाइम, अगर हम इलोंगेशन टाइम को डिक्रीज कर देते हैं तो जो डिजायर्ड वाले हैं उसकी भी सिंथेसिस कम होगी। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज करने से ऐसा तो रही है कि नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज करने से डिक्रीजिंग जो अनडिजायर्ड है वो आपका ना बने, नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे इनलिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे जिससे कि जो छोटे वाले हैं उससे बाइंड ही ना कर पाए। सी डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया हुआ है बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वो फार्मूला है कि डी पी एम इक्वल टू सी पी एम अपॉन इफिशियंसी। याद रखना ये फार्मूला, जहां पे डी पी एम जो है दैट इज कॉल्ड डिस इंटीग्रेशन, डिस इंटीग्रेशन पर मिनट, और सी पी एम क्या है ये होता है काउंट, काउंट्स पर मिनट। अब यहाँ पे देखिए काउंट पर मिनट दे रखा है आपका, सी पी एम दे रखा है 15200 और इफिशियंसी दे रखी है 0.92। सी डी पी एम हमें बताना है तो डी पी एम बताने के लिए क्या करना होगा, डी पी एम इक्वल टू 15200 / 0.92। इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे आएगा 1651.739 जो कि अप्रोक्सीमेट होगा 16522 जो कि आंसर है आपके पास सी। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको बस ये दोनों टर्म यूज करना है, ये दोनों वैल्यू यूज करना था। अगर हम सेंट्रल डोगमा की बात करें तो सेंट्रल डोगमा में क्या होता है कि डीएनए आपका आरएनए बनाता है और ये आरएनए आपका प्रोटीन बनाता है। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा। बट यहाँ पे एमआरएनए से वापस जो है आपका डीएनए बनता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड सी डी एन ए। सी डी एन ए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए, यहाँ पे सी टर्म का मतलब ही है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए सी डी एन ए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए है। बट यहाँ पे एम आर एन ए टेम्पलेट है, मतलब एम आर एन ए को हम टेम्पलेट की तरह यूज करके डीएनए बना रहे हैं। और इस डीएनए और जो ओरिजिनल डीएनए उसमें क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि दिस सी डीएनए लैक इंट्रॉन, ओनली हैव अ एक्सॉन, दैट इज अ रीजन इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, क्योंकि ये ही एक्सप्रेस्ड हुआ होगा। तो सी डी एन ए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन एम आर एन ए टेम्पलेट। तो एम आर एन ए टेम्पलेट का यूज करके जो हम डी एन ए बनाते हैं दैट डी एन ए इज कॉल्ड सी डी एन ए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अगर याद होगा तभी आप बता पाओगे। यहाँ पे पूछा गया था द सबस्ट्रेक्ट यूज फॉर एल्कलीन फॉस्फेटेज बेस्ड
कलर डेवलपमेंट इन अलाइजा, अलाइजा के डेवलपमेंट में एल्कलीन फॉस्फेटेज जो यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबस्ट्रेट क्या होता है? तो द सबस्ट्रेट इज अ पी एन पी पी, पी एन पी पी का पूरा नाम होता है आपका पी नाइट्रो, पी नाइट्रो फिनॉइल फॉस्फेट, पी नाइट्रो फिनॉइल फॉस्फेट। ये आपका डाई सोडियम साल्ट है। और ये जो आपका डाइसोडियम साल्ट है यह एल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ रिएक्शन करके आपका येलो कलर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट देता है जिसे हम 405 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं फोटो कैलरीमीटर यूज करके। तो करेक्ट आंसर क्या है? सबस्ट्रेक्ट जो है क्या हम यूज करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए? तो पी एन पी पी, पी नाइट्रोफिनॉइल फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि इन्होंने पूछा था द स्टैटिकल एनालिसिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डी एफ होता है वो एन माइनस वन होता है, जहाँ पे एन जो है आपका क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक कम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, माइनस वन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इफ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड द पर्सन हु विल प्रिपेयर हु विल ट्राई टू क्वालिफाई अ हैदराबाद यूनिवर्सिटी फॉर द PhD। दैट आर डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पीपल एंड ऑल्सो फॉर द ICMR दैट क्वेश्चन आर जस्ट मतलब फंटास्टिक क्वेश्चन, मे बी दे आस्क ICMR ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।